दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मल्टी बूटेबल यूएसबी कैसे बना सकते हैं, मतलब एक ही पेन ड्राइव में आप कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्टोर करेंगे कि एक ही पेन ड्राइव में आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल पेन ड्राइव के अंदर आपको मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैरी करना है। और वो आप पेन ड्राइव बनाएंगे कैसे, जैसे सामान्य बूटेबल पेन ड्राइव बनती है तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बनती है, यहां पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की पेन ड्राइव बनाना सीखेंगे। इसके लिए सिंपली माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव नीडेड है, जो कि मेरे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में एक पेन ड्राइव ऑलरेडी लगी हुई है 32 GB की, नेमली आईटी अड्डा एंड लेटर नेम इज एफ, ठीक है। और दूसरा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स नीडेड होंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास सर्वर 2K19, विंडोज 10 प्रो, सर्वर 2K22, विंडोज 11, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कॉपीज भी पड़ी हैं, आईएसओ फाइल्स, इमेजेस भी पड़ी हैं। दो चीज फुलफिल हो गई। तीसरी, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर नीडेड होगा। उस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सिंपली आप गूगल पे चले जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है VENTOY, वेंटोय डाउनलोड। आप सीधे वेंटोय डाउनलोड, यहाँ पे आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे ही पहला जो लिंक आपको मिलता है www.ventoy.net, ये वेबसाइट है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे वेंटोय की जो होम डायरेक्टरी है आप उस पे चले जाएंगे। मेन पेज पे आप विंडोज यूजर हैं, लिनक्स यूजर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। तो बेसिकली मैं विंडोज पे वर्किंग हूं, तो मैं यहाँ विंडोज पे क्लिक करूंगा। ये पेज रीडायरेक्ट करके एक डिफरेंट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से लिंक्स मिलेंगे। यहाँ पे वो ऊपर से तीसरा जो लिंक आपको दिख रहा है वेंटोय 1.0.96, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ टाइमर चल जाएगा। टाइमर्स के जस्ट बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जो है प्रोसेस हो गया है और यहाँ पे वेंटोय जो है ऑलरेडी हमारे इस सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले हम अपने डाउनलोड फोल्डर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि वेंटोय डाउनलोड हो चुका है, दो अलग अलग कॉपीज डाउनलोड हुई है और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके जो फोल्डर फॉर्मेट है वो यहाँ पे स्टोर कर रखा है और मैंने उसकी एक कॉपी अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे रख रखी है। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस वेंटोय फोल्डर को एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसको एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक वेंटोय 2 डिस्क नाम का एक यहाँ पे बेसिकली नेम का एक फाइल मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर फाइल को प्रॉपर्टीज पे जाके चेक कर लेते हैं, तो ये exe फाइल है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर फाइल से आपका ये सॉफ्टवेयर रन करेगा, तो राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हुए इसको एक्सप्लोर कर देना है। जैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके से वेंटोय का जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है और वेलकम विजार्ड आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव जो कि बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एफ लेटर से हमारी एक ड्राइव है जो ऑलरेडी यहाँ पे 32 GB की है, बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट हो रही है। यदि आपके केस में डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे और सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन विजार्ड आएगा, वार्निंग विजार्ड भी कह सकते हैं, यस कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे अगले वाले ऑप्शन पे भी यस कर देंगे और ये आपकी पेन ड्राइव बननी शुरू हो गई है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर पेन ड्राइव को मल्टी बूटेबल बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मल्टी बूटेबल बनाने का मतलब ये है कि एक सिंगल सिंगल पेन ड्राइव में आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है, वेंटोय हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टू द डिवाइस, आपके डिवाइस में ऑलरेडी वेंटोय जो है वो अफेक्ट कर गया है। अब यहाँ पे आप चलते हैं सिस्टम, माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी पेनड्राइव का जो पहले से प्रीवियस नेम रहा होगा वो प्रीवियस नेम आपका चेंज होके यहाँ पे वेंटोय ही ले रहेगा, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली आपके पास जितनी भी पेनड्राइव, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इमेजेस है वो इमेजेस सिंपली आपको, मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2K19 एंड 22 दोनों को ही सेलेक्ट करके सेंड टू पेन ड्राइव कर देता हूँ। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आप जैसे ही ये फाइल्स कॉपी हो जाएंगी, मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेजेस है वो जैसे ही इस पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएगा, मेरी पेन ड्राइव बिल्कुल रेडी है। आप इस पेन ड्राइव को यहां से रिमूव करेंगे, किसी भी सिस्टम में ले जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप उसमें यूएसबी लगाएंगे,
फर्स्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव सिलेक्ट करेंगे। जैसे पेन ड्राइव से आपका सिस्टम बूट करेगा आपके सामने एक विंडो आएगा, होम पेज आएगा, और उस होम पेज पे सिंपली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेन्यूज आ जाएंगे, और जिस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इंस्टॉल करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसीड हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सिंपली एक सिंगल पेन ड्राइव के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रख सकते हैं या फिर आप मल्टी बूटेबल यूएसबी कैसे बना सकते हैं आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने सीखा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।